चेल्सी बूट वेयरिंग टिप्स गाइस। चेल्सी बूट एक ऐसा बूट हो चुका है टुडेज टाइम में सबसे ज्यादा पहने जाने वाला शूज। तो गाइस आपने देखा होगा एक्टर, यूट्यूबर, फैशन इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पर या अपने गली कूचों में भी देखा होगा ये एक बहुत कॉमन सा शूज हो चुका है। क्योंकि गाइस इसका एक रीजन ये भी एक ट्रेंड में आया है एंड इससे पहले लोगों को नहीं पता था कि चेल्सी बूट क्या होता है और लोगों को पहनने को कुछ नया मिला है। तो गाइस इसी चीज को लेकर मैं बताने वाला हूँ आपको वो गलती जो लोग करते हैं वो गलती क्या है। गाइस लोग चीज खरीद तो लेते हैं बट उनको नहीं पता वो चीज सही है उनके लिए या नहीं। तो गाइस माय नेम इज आदिल वाचिंग एडिंग एडिंग वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वो पहली गलती क्या है परचेसिंग लोन चेल्सी बूट। गाइस नाउ डेज कॉपी का ट्रेंड चल रहा है लोग कॉपी पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं बट वो आपके लिए सही नहीं है। लोग खरीद तो लेते हैं बट उनको ये नहीं पता वो लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा, वो आपके आउटफिट को नेक्स्ट लेवल बनाएगा नहीं बनाएगा। तो गाइस आपको हमेशा क्वालिटी पे इन्वेस्ट करते हैं, आपको उस पर क्वालिटी पे पैसे तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बट आपको चीज मिलेगी जो आपके लॉन्ग टर्म भी चलेगा और आपके आउटफिट को नेक्स्ट लेवल पहुंचाएगा। तो गाइस इस चीज को अवॉइड करें, थोड़ा क्वालिटी पे इन्वेस्ट करें। गाइस वो दूसरी गलती क्या है वेयरिंग रॉन्ग वे। गाइस बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो एक दूसरे को देख के चीज़ खरीद लें बट उनको नहीं पता उसको स्टाइल कैसे करना है, उसको पहनना कैसे है। कोई भाई ऐसा होता है वो बैगी जीन्स के साथ पहनता है, कोई लॉन्ग शॉर्ट्स के साथ, बट आपको पहनना आना चाहिए। आपने जो चीज़ ली है आप बिना किसी को कॉपी किए या आप किसी से इंस्पायर होकर वो चीज़ ना खरीदें, पहले आप अपनी इमेज करें, अपना आपको देखें कि मैं ये चीज़ पहनूंगा तो मैं कैसा लगूंगा और ये चीज़ मुझे कितना स्टाइलिश बनाएगी और मुझे कितना अच्छा लोगों के सामने दिखाएगी। तो गाइस इस चीज़ को आप अवॉइड करें जो आपके मन में या जो आपको अच्छा लगे तो आपके आउटफिट को और आपके स्टाइल को सूट कर दो वही चीज़ लें, बाकी इन चीज़ों को अवॉइड करें। गाइस ये आपके लिए एक कह सकते हैं जैसे कि आपको पसंद आ रही है एक भाई के ऊपर पहन के बट वो चीज़ नहीं कि आपको पूरा ही पसंद आएगी, आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है। तो गाइस इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही गाइस एक बात और, व्हाट इज योर आउटफिट स्टाइल। गाइस आपका आउटफिट स्टाइल क्या है, आपको क्या पसंद है, आप किस किन किन आउटफिट के साथ आप वो चेल्सी बूट पहन सकते हैं। अगर आपको अपना स्टाइल पता है या आप नहीं जानते कि मुझे चेल्सी बूट किन आउटफिट के साथ पहनना चाहिए तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, बताता हूँ तीन ऐसे आउटफिट जो आपको पहनने चाहिए चेल्सी बूट के साथ। तो गाइस सबसे पहला है फाल। गाइस फाल आउटफिट एक स्टाइल ऐसा रहता है जिसमें आप एक अंदर लेयरिंग के लिए टी शर्ट पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं या आप मान लीजिए टर्न लेग या स्वेट शर्ट पहनते हैं तो आप उसके साथ पहनकर अच्छे दिखेंगे फाल स्टाइल में। तो गाइस सेकेंड है कि कैजुअल। गाइस कैजुअल में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जीन्स पहननी है, सिंपल शर्ट पहननी है, उसको पत्र आप एक स्वेटर डाल सकते हैं या कोई गर्म वूलन डाल सकते हैं, आप वो एक कैजुअल स्टाइल लगेगा, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है चेल्सी बूट के साथ पहनने का, आप अच्छे लगेंगे उसके साथ। एंड तीसरा है गाइस स्ट्रेट वेयर। आई लव स्ट्रेट वेयर। व्हेन एवर आई गेट अप, जब मैं कभी उठता हूँ सो के या मेरे पास कोई आउटफिट नहीं होता, रिलैक्स होता हूँ, घर से फ्री होता हूँ, काम से फ्री होता हूँ, तो मैं इस चीज़ को जब पहनता हूँ जब मुझे आज़ादी होती है पहनने की, तो गाइस ये मेरा फेवरेट आउटफिट है क्योंकि हम चिल मारते हैं, रिलैक्स करते हैं, वेले हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आउटफिट रहेगा आपको उसमें एक हुडी पहननी है या आप उसके साथ पहन सकते हैं जीन्स एंड चेल्सी बूट आपका वही रहेगा, वो आपके आउटफिट को और अच्छा दिखाएगा। मेरे हिसाब से आप कुछ भी पहन सकते हैं बट मुझे चेल्सी बूट के साथ जीन्स और हुडी पहनने में मज़ा आता है, अगर एक स्ट्रेट वेयर में बगैर आप चीज़ को अप्लाई करके देखें मज़ा आएगा। गाइस तीसरी गलती क्या है, व्हाट इज योर जीन्स टाइप। गाइस जीन्स के भी टाइप होते हैं, जीन्स भी अलग अलग तरीके की होती हैं, स्लिम फिट और रेगुलर फिट या बैगी। तो गाइस आपके पास कौन से हैं, आप चेल्सी बूट के साथ कौन सी जीन्स पहनना चाहते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं चेल्सी बूट के साथ जीन्स के टाइप और जीन्स को पहनने का तरीका। अगर आपके पास सिंपल जीन्स सॉरी अगर आपके पास स्लिम जीन्स हैं, स्लिम जीन्स फिट है तो आप उसको सिंपल पहन सकते हैं एक फुल वे में, बिना टक करे और बिना कोई फोल्ड करे। तो गाइस ये आप समझ गए। सेकेंड जीन्स जो है वो है रेगुलर फिट। रेगुलर फिट गाइस ऐसी होती है हमारी, थोड़ी लूज होती है नीचे से और उसके जो मोरी होती है, जो उसकी लंबाई होती है थोड़ी फैली हुई होती है, वो हम उसको ज़्यादातर एक कह सकते, मैं जो पर्सनली पहनता हूँ उसको फोल्ड करके पहनता हूँ, सिंपल फोल्ड एक बाहर को एंड आफ्टर डैट मैं उसको एक अंदर को फोल्ड करके पहनता हूँ। वो मुझे चेल्सी बूट के साथ अलग ही वाइब देती है, एक स्ट्रेट वेयर में मैंने आपको बताया पहले भी स्ट्रेट वेयर में अच्छी लगती है। तीसरी जो जीन्स आपके पास बैगी है, बैगी जीन्स को आप थोड़ा साइड से खींचिए, उसको डबल फोल्ड कीजिए एंड उसको छोड़ दीजिए। तो गाइस ये एक अच्छी भी लगती है और बहुत सारे लोग इसको पहनते भी हैं और ये ट्रेंड में भी है।
ट्रेंड क्या है गाइस, आप जो पहन लिया वो आपके लिए ट्रेंड है, जो मैंने पहनी वो मेरे लिए ट्रेंड है, जो मुझे पसंद करते हैं या नहीं। तो गाइस ये चीज़ तो मुझे पसंद है, बट आपको अगर पसंद नहीं है तो आप नहीं पहने। अगर आपके पास बेगी जीन्स है तो आप परेशान हैं तो आप ये कर सकते हैं। मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। 3 साल से ज़्यादा मुझे यूट्यूब पर हो चुके हैं, बट मुझे अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिली है, क्योंकि मैंने जो मेरा फर्स्ट चैनल था मैंने वहाँ कुछ लापरवाही की है, कुछ गलती की है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा और मेरे कंटेंट में भी जान नहीं थी, जो मुझे करना चाहिए था पहले वो अब कर रहा हूँ। तो गाइस जिसका आप ध्यान रखें, मैं आपका भाई जैसा हूँ। तो दिस वीडियो एंडेड है, आप तो गाइस थम्स अप, टेक केयर, लव यू।